शामीर हम लोग हेपस के बाद ऐसे आ गए हैं ये सो आज हम देखने वाले 10 मोर डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड की वीडियो सो यस सीधा ये दो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नॉलेज टाइम विद उमर एंड शामीर में एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। दोस्तों आज हम आपके सामने दोबारा से एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, तो आए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की भी अपनी एक खूबसूरत और बहुत ही हैरत अंगेज दुनिया है। जानवरों की इस दुनिया में नहायत खूबसूरत और मासूम नजर आने वाले जानवरों से लेकर नहायत खौफनाक खतरनाक शिकारी जानवर भी मौजूद हैं, जो बाज़ औकात इंसानों के लिए और अपने जैसे दूसरे जानवरों के लिए नहायत खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपके लिए दुनिया में पाए जाने वाले 10 खतरनाक तरीन जानवरों का इंतखाब किया है, तो चले आए फिर शुरू करते हैं। जानवरों की इस लिस्ट में दोस्तों 10वें नंबर पर आने वाला जानवर है केप बुफेलो। दोस्तों केप बुफेलो का वजन 2000 पाउंड तक जा सकता है और ये इंतहाई गैर मुतवक्का और जारहाना साबित हुए हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि अफ्रीका में किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा शिकारियों को मारने के जिम्मेदार ये केप बुफेलो ही है। नंबर 9 कोन स्नेल। दोस्तों ये बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाली समुंदरी मखलूक असल में इस कुरे अर्ज पर पाई जाने वाली मौलिक तरीन मखलूकात में से एक है। दोस्तों कोन स्नेल का जहर इंसान को मफलूज बना सकता है, यानी कि पैरालिसिस कर सकता है, और हाँ इसका जहर इंसान के निजाम तनफ्फुस यानी कि सांस लेने की सलाहियत को भी बर्बाद कर देता है। और ये बात नहायत अहम है कि कोन स्नेल के जहर की अब तक कोई दवा भी ईजाद नहीं हुई है। नंबर 8 बॉक्स जेलीफिश। दोस्तों ये खूबसूरत नजर आने वाली समुंदरी मखलूक असल में नहायत मोहलिक जानदार है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पानियों में पाई जाती है। इसके थैलेनुमा जिस्म में छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं, जिनके जरिए ये अपना जहर दूसरे जानवरों और इंसानों में मुंतकिल करते हैं, और हाँ इसके जहर से फौरी तौर पर मौत वाकई हो सकती है। नंबर 7 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दोस्तों क्रोकोडाइल एक रेंगने वाला जानदार है जिसका वजन 2000 पाउंड तक जा सकता है। दोस्तों क्रोकोडाइल के जबड़े नहायत मजबूत होते हैं और ये अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाता है। इसका निजाम बहुत ताकतवर होता है और आहिस्ता आहिस्ता खाने वाले जिस्म को हजम करता रहता है। ये बहुत ही मौलिक जानदार है और इसके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि इसके शिकंजे से कोई भी जानवर या इंसान बाहर नहीं निकल सकता। नंबर 6 अफ्रीकन एलिफेंट। दोस्तों ये जाइंट एनिमल बहुत वजनी होते हैं, लेकिन इंसानों के साथ नहायत नरम मिजाज और शायस्ता रवैया भी रखते हैं। लेकिन अगर कहीं इन्हें कोई खतरा नजर आए तो नहायत जारहाना भी हो सकते हैं। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है दोस्तों कि ये नरम मिजाज और बज़ाहिर शायस्ता नजर आने वाला जानवर अफ्रीका में सबसे ज्यादा इंसानों की अमवात का सबब बना है। ये इंसानों को अपने पैरों तले कुचल देते हैं अगर इन्हें कोई खतरा महसूस हो। नंबर 5 द पफर फिश। दोस्तों बज़ाहिर ये खूबसूरत नजर आने वाली छोटी सी मछली अपने अंदर साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला मादा रखती है। ये जहरीला मादा इंसानों के लिए नहायत खतरनाक होता है और अब तक इस जहरीले मादे की कोई दवा भी ईजाद नहीं हुई है। इसीलिए दोस्तों इस मासूम सी नजर आने वाली छोटी मछली से हमें दूर ही रहना चाहिए, और इसी जहरीले मादे की वजह से ये मछली हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। नंबर 4 द हाइपोपोटामस। दोस्तों बज़ाहिर तो हाइपोपोटामस नहायत ही सुस्त और काहिल जानवर नजर आते हैं, लेकिन ये जानवर भी नहायत खतरनाक हद तक साबित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि हाइपोपोटामस बगैर किसी वजह के किश्तियों इंसानों और समुंदर में रहने वाले मुख्तलिफ क्रिएचर्स पर हमला आवर हो सकते हैं। इनके जबड़े नहायत बड़े और मजबूत होते हैं और ये अपने जबड़े से ही अपने शिकार को कुचल देते हैं और सादा ही निगल लेते हैं। नंबर 3 द ब्लैक मांबा।
दोस्तों, ब्लैक मामा नामी सांप हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इसकी वजह यह है कि ये अफ्रीका में पाया जाने वाला सांप अपने जहर के हवाले से नहायत खतरनाक साबित हुआ है। दोस्तों, ब्लैक मामा का जहर इंसान के पट्टों और दिमाग को मफलूज कर देता है और घंटों में ही मौत वाकया हो सकती है। यही वजह है कि ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नंबर टू, द मॉस्किटो। दोस्तों, मच्छर घरों में उड़ने वाले इधर उधर मामूली से कीड़े लगते हैं। ये हमारा खून तो चूसते हैं, जिसकी वजह से हमें मामूली खारिश होती है, लेकिन यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि यही मच्छर इंसानों में नहायत मोहलिक वायरस मुंतकिल करने का सबब बने हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में किसी भी बड़े से बड़े जानवर से ज्यादा ये छोटे से कीड़े यानी मच्छर इंसानों की अमवात का सबब बने हैं। और दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में है वो मखलूक जो इस कुर्रा अर्श पर पाए जाने वाली सबसे मोहलिक तरीन साबित हुई है, और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग्स यानी के इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, वो हम इंसान ही हैं जो इस कुर्रा अर्श पर सबसे मोहलिक साबित हुए हैं। चाहे ये इंसानों की आपस में जंगें हों या इस ज़मीन पर आलूदगी फैलाने का सबब, हम इंसान अपने ही दूसरे इंसानों के लिए नहायत मोहलिक साबित हो रहे हैं। हम अपने मफादात के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और इन मफादात को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें अपने किए पर शर्मिंदगी भी नहीं होती। इंसान ही इस दुनिया में यानी इस ज़मीन में आलूदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं, और यही आलूदगी इंसानों के लिए नहायत खतरनाक साबित हो रही है। हमें अपने किए पर सोचना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी काविश वीडियो की शक्ल में पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। हमारी वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।